एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद को लेकर पप्पू यादव की बड़ी भविष्यवाणी। पप्पू यादव पूर्णिया में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर देश को तो गर्व होगा जब वो देश के लिए खड़े होंगे। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि एनडीए की सरकार अगर बनती भी है तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पप्पू यादव ने पूर्णिया में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही है। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीवादी विचारधारा पर चले हैं, अम्बेडकर हैं, ये हमेशा सेकुलरिज्म रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है और बहुत उम्मीद है, मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार पर देश को तो गर्व होगा जब वो आज देश के लिए खड़े होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी, मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इससे पहले पप्पू यादव ने कहा कि मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, वह भी कानून के दायरे में रहकर काम करें। मुझे जब लोगों ने कहा था कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, तो मैंने कहा था कि मैं हर दिन मिलता हूँ, मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूँ। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो खुद को माफिया कहते हैं और राजनीति करते हैं, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी वोट नहीं मांगूंगा। बेटा के साथ सेवक भी है, न्याय के लिए आए हैं। पप्पू यादव ने कहा, हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, बेटा के साथ सेवक भी है, न्याय के लिए आए हैं। हर परिवार को न्याय देना मेरा काम है। ऐसे नर्सिंग होम जो सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं है, गलत तरीके से आम जनता को फंसा कर भर्ती कराता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए, सदर अस्पताल में कह दिया कि पेशेंट के अटेंडेंट को पिटवाते हैं, यह मत करिए, सुधार लाइए। मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूं क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है और जो राजनीति करता है, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे नर्सिंग होम जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नहीं है और गलत तरीके से किसी पैथोलॉजी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा आम जनता को फंसा करके अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए, मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पर अस्पताल में गुंडे को मत आप नौकरी पर रखिए, मैंने कह दिया सदर अस्पताल में आप अटेंडेंट के, पेशेंट के अटेंडेंट को जो पिटवाते हैं, ये काम मत करिए, आप अपने में सुधार लाइए। हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावा कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर, पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे? मैंने पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए, पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका, लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को, इसमें सिर्फ पप्पू दोनों की बैठक। सर, मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधी थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहे, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े हो रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार पार्टी में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, जो मैं समझता हूँ।